साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी ये सही समय है। ये उनके लिए भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। बीते 9 सालों में हमने लगभग 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये करोड़ों भारतीय अब एक न्यू मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपवर्ड मोबिलिटी देखी जा रही है। भारत का टूरिज्म सेक्टर भी तेज गति से एक्सपांड कर रहा है। यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है। आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, जब भारत में इतनी संभावना है, तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा। भारत में एमएसएमईज का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। इसलिए ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुली डिजाइन, बोइंग के लोग सुने, फुली डिजाइन और मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपांशन ये एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी।